इफ देयर इज वन प्लेयर इन द होल बीजे मई स्लैश पबजी कम्युनिटी जिसको हम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट बोल सकते हैं वो मेरे अकॉर्डिंग टीम गॉडलाइक के जॉनथन है सबसे पहले हम गोट का मतलब जान लेते हैं गूगल के अकॉर्डिंग गोड यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का मतलब है कोई भी ऐसा प्लेयर या फिर इंडिविजुअल जिसने हर समय बाकी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है मेजर लीग किसी भी खेल में अब भारत में अगर तुम किसी भी प्लेयर या फिर ई स्पोर्ट्स ऑडियंस से पूछोगे इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया तुमको मेजरिटी ऑफ द टाइम्स जोनाथन का ही नाम सुनने को मिलेगा वेल आई डोंट एग्री विद दिस बिकॉज हम उनका करियर स्टेट देखकर बात करेंगे एंड फैक्ट से साथ ही कंक्लूजन निकालेंगे क्या वो एक्चुअली गुड स्पॉट डिजर्व भी करते हैं या उनके फैंस अपने ही बनाए बबल में जी रहे हैं नाउ टू अंडर एंड दिस हमें फिर से से स्टार्ट करना पड़ेगा वेल well, अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करूँ तो आसान भाषा में हम का परफॉर्मेंस रीजनल देखोगे इंडियन पबजी मोबाइल सीन या फिर बीजे वो एक सौ तिरासी भारतीय खिलाड़ी है कुछ किया है कुछ ऐसा जिनको बाकी हजार खिलाड़ियों से अलग बनाती है नाउ स्ट्रेट टू अगर तुम लोग इनमें से किसी भी प्लेयर की प्रोफाइल

एंड कंसिस्टेंटली एम का खिताब जीता हो ऐसा करने वाले वो इंडिया में इकलौते हैं अब बात कर लेते हैं जॉनाथन ऑन साउथ एशियन लेवल वेल इफ यू गैस डोंट नो साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान नेपाल भूटान श्रीलंका बांग्लादेश नेपाल जैसे कई कंट्रीज आती हैं। आसान शब्दों में कहूं तो अखंड भारत नाउ जैसे मैंने इंडिया में हर एक प्लेयर का सेट मैनुअली चेक किया वैसे ही इन सभी कंट्रीज के प्लेयर्स का सेट मैंने मैनुअली चेक किया है एंड उन सभी प्लेयर्स को हमने जोनाथन से कंपेयर किया एंड यू गैस शॉक टू नो वट हैपन नेक्स्ट वाइल चेकिंग ईच एंड एवरी प्लेयर्स आई गॉट टू नो इंडिया में तो उनका कोई कंपटीशन नहीं है बट साउथ एशिया में भी उनका कोई भी कंपटीशन नहीं है अगर हम एम बी पी टाइटल टॉप रैकिंग और अवॉर्ड की बात करें तो पूरे साउथ एशियन रीजन में एंड पर्टिकुलरली इन सभी कंट्रीज में कोई भी ऐसा प्लेयर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसको हम जॉनथन से कंपेयर कर सकें चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं देखो ये सभी पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स के सेट्स हैं एक बार इनके सेट्स देखो सिमिलरली ये नेपाल के टॉप प्लेयर्स के सेट्स हैं लास्टली ये बांग्लादेशी टॉप प्लेयर्स के सेट्स हैं अगर आप इनमें से किसी के भी स्टेट्स को कंपेयर करोगे यू गैस विल गेट टू नो देर इज नो वन अबाउट जॉनथन एम नॉट disrespecting anybody here, but बट अभी हमने जितने भी players के stats देखे यू गाइस कैन क्लियरली सी कोई भी प्लेयर Jonathan के आसपास भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स बाय द वे हमने अभी नेपाल पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के प्लेयर्स के देखे, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा की श्रीलंका से ये बंदा अकेला खेल कर भी जीत क्यों नहीं पा रहा है एनी वेज मैंने इन सभी वेबसाइट्स एंड पोर्टल्स के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए हैं. तो एक बार खुद से जरूर चेकआउट कर लेना बट आई लाइफ रिसर्चिंग आई फाउंड आउट वन चेंज थिंग और मैं तुम लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना चाहता इसलिए आई एम लेटिंग यू गाइज नो दैट अगर तुम लोग गूगल पर सर्च करोगे मंगोलिया किस रीजन का पार्ट है तो जोग्राफिकली एंड गूगल के अकॉर्डिंग वो ईस्ट एशिया का पार्ट है बट आई डोंट नो आई लिक्विबीडिया मंगोलिया को साउथ एशियन रीजन में कंसिडर करता है मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ बट स्टिल दिस अगर हम मंगोलिया को साउथ एशिया में काउंट भी करें तब भी अमंगस्ट ऑल दीज कंट्रीज साउथ एशिया में जॉनसन के लेवल पर सिर्फ दो ही प्लेयर्स हैं एक्स एस प्लेयर टॉप एंड एक्शन एंड टू भी ऑनर

नाउ लेट टॉक अबाउट जॉनथन ऑन वर्ल्ड स्टेज जॉनथन अगर वर्ल्ड लेवल पर किसी से भी वन वन कम्पीट करेंगे तो चांसेस आर हाई की जॉनथन ही जीते अब इसको भी फैक्चुअली प्रूव करते हैं वेल well, ये जॉनाथन की एक यूजल क्लिप है एंड ये दुनिया के बेस्ट प्लेयर पेरोबाई की क्लिप है आई होप तुम लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं बता सकता वरना कॉन्टेंट की कमी हो जाएगी बट दिस इज नॉट द केस बिकॉज इट 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 इज इज एंड एंड नेवर अबाउट सोलो गेम गेम अ टीम टू बी ऑनेस्ट आई फील पिटी टू टू से वी आर नो वे क्लोज एनी टीम आउटसाइड साउथ एशिया अगर गेम बैन ना हुआ होता तो चीजें कुछ डिफरेंट होती बट गेम के बैन होने की वजह से वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन वेल इस पर भी हम आगे आने वाली वीडियोज में डिस्कशन करेंगे बट इन माई ओपिनियन जॉनसन अन्डाउटेडली पबजी मोबाइल के गोड थे फॉर श्योर sure. इज नॉ द गोट ऑफ बीजे बिकॉज़ ट्वेंटी टू से ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक उन्होंने कुल फोर्टी फोर इवेंट्स खेले जिनमें से वो पांच टूर्नामेंट्स के एमवीपी रहे इन फैक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में वो सिर्फ एक ही इवेंट के एमवीपी रहे एनी वेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट उनके अराउंड थर्ड स्पेकुलेशन के बारे में

वो किसी भी ऑफिशियल इवेंट में हमें कभी भी परफॉर्म करते हुए नहीं दिखे आई I मीन mean, उनका ओजी प्ले जो 2019 से लेकर 2021 तक वो खेला करते थे वो मिसिंग है एंड ऐसा मैं नहीं उनका करियर स्टैड बता रहा है अगर तुम लोग क्लोजली देखोगे पबजी मोबाइल बैन के बाद उन्होंने किसी भी ऑफिशियल इवेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जो बार उन्होंने सेट किया था आज वो बार फिर से अचीव करने के लिए वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं टू मेक थिंग्स सिंपल आई थिंग टू लेट यू यूज नो डेट अनऑफिशियल इवेंट स्लैश लोकल इवेंट्स को ऑफिशियल इवेंट से कम्पेयर नहीं किया जा सकता है बिकॉज ऑफिशियल इवेंट्स ही कम्पलीटली अपनी लेगेसी होती है सैडली ये सच है कि उनका ओजी गेम प्ले मिसिंग है एडिशनली नेक्स्ट कुछ ऑफिशियल इवेंट्स प्राइमरली जॉनथन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं एंड अगर उनमें

Now लेट्स टॉक अबाउट his अचीवमेंट्स 2019 से लेकर 2024 तक उन्होंने इन सभी इवेंट्स में ये कुछ अवार्ड जीते हैं जिनमें से इन तीन ऑफिशियल इवेंट्स में वो टॉप रैगर भी रहे टॉकिंग अबाउट हिस्स ओवरऑल करियर स्टाइट उन्होंने मिड 2019 में टीम स्कल से स्टार्ट किया जिसके बाद एन टी टी को ज्वाइन किया अंटिल सिक्स मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी इसके बाद उन्होंने गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया एंड करंटली और फ्यूचर में भी वो गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स में ही रहने वाले हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिसो मेक्सर टू हिट दट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन बाई द वे अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो आई वॉन्ट टू लेट

सीज़ करूँ मोमेंट तो बना, तो बना मैं तो मैं कर टूट बना मत लूट रहा बन कर दोबारा से टूट तो रहा हर दिन गुजरता है जूच रहा तेरी याद में सुच फूक रहा चल सब करूँ बैठ नोट तो बना फिर कंसल आता है डोप घड़ा किस्मत की चांदी है पिगले पिगले दिख...